लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश पुलिस अब बदमाशों पर, भू माफियाओं पर और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। जी हाँ, ऐसा ही एक शराब माफिया का मामला फिरोजाबाद में भी देखने को मिला। जिलाधिकारी के आदेश पर थाना खैरगढ़ पुलिस ने शराब माफिया सुखवीर सिंह यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। जी हाँ, बता दें, संपत्ति जब्त करने के बाद गांव में ढोल नगाड़े बजाकर उसकी मुनादी भी की गई। सुखवीर सिंह यादव की संपत्ति बिदरखां गांव में थी। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जिसे कुर्क कर सील कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 3 माह पूर्व थाना खैरगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सुखवीर सिंह था। यादव की काली कमाई से प्राप्त संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। यह शराब माफिया एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शराब में मिलावट कर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आज वह जेल में है तथा उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये आपको प्रकरण मालूम है कि हमारे फिरोजाबाद जनपद में पिछले कुछ सालों से कुछ शराब माफियाओं ने बाहर से, गैर प्रांत से शराब ला करके उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का मिलावट करके उसको अपमिश्रित और अपायकर बना करके आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसको गंभीरता से लिया गया और टीमें बना करके बहुत ही कम दिनों में इन सभी शराब माफियाओं को, जिसमें 11 लोग शामिल हैं, जिसका सरगना सुखबीर सिंह यादव और फेरू सिंह यादव है, इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस पे गैंगस्टर एक्ट यानी गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और 11 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई। अभी एक एक माफिया के संपत्तियों की जाँच की जा रही है। काली कमाई से अर्जित, अवैध कमाई से अर्जित जो इन्होंने प्लाट्स, मकान, गाड़ियाँ खरीदी थी और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे, उन सब की जांच हो रही है और जितने भी प्रॉपर्टी मिल रही हैं उसको 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही, यानी कि प्रशासन के पक्ष में उसको जब्त किया जा रहा है। उसी की वानगी आपको यहां देखने को मिल रही है, जिसमें हमने सुखबीर सिंह यादव पुत्र फेरू सिंह यादव की एक बड़ी संपत्ति को, जिसका कीमत मार्केट में करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आँक रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर जब्त किया है। और ये सुखबीर सिंह यादव एक बड़ा गैंगस्टर है, जिसका हिस्ट्री शीट भी है, इसका हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ दर्जन भर के आसपास मुकदमे इसमें दर्ज है और ये जनपद का एक पंजीकृत माफिया है। तो इसकी सारी संपत्तियों को हम प्रशासन के पक्ष में जब्त कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का पहरा रहेगा, इन संपत्तियों को कोई बेच और खरीद नहीं सकता है। और इस तरह की कार्रवाई से निश्चित रूप से जितने भी अवैध शराब का काम करने वाले माफिया हैं, अपराधी हैं, उनको एक सबक लेना चाहिए कि इस तरह के कारनामे से आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। कई बार निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं जहरीली शराब पी करके। ऐसा काम कतई ना करें, नहीं तो इनको जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। इसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सज़ा भी है। सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा और पूरे परिवार को दुख भोगना पड़ेगा, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए सभी को ये मैं सचेत करता हूँ, फिरोजाबाद जनपद के जितने भी शराब माफिया और गलत काम करने वाले हैं, इस तरह के धंधे से परहेज करें, अच्छा काम करें और देश और समाज का नाम रोशन करें। क्या सर, इनके साथी जो अन्य भी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी? हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस गैंग में कुल 11 लोग शामिल हैं, सभी को जेल भेजा गया है। एक एक करके टीम बना करके सभी की संपत्तियों की जांच हो रही है और बहुत जल्दी अभी आपको और आगे भी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी।